नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करेंगे, खास तौर पर जो मुंबई में बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, उसके बारे में। लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते हैं, और यह बातचीत रोज होती है। तो अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार मुंबई की बैठक तो खत्म हो गई, तो क्या यह कह जी। सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसने अपना एक किया वह ऐसा प्रस्तुत करने में कामयाब रही? मेरे विचार से वो बेहतर कर सकते थे, जो उन्होंने किया है उससे वो बेहतर कर सकते थे। देखिए, अब उनकी तीसरी बैठक खत्म हुई है ये, और इसमें उनके दलों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन सब लोग उम्मीद जिन बात जिन चीजों की उम्मीद कर रहे थे, खासतौर से विपक्षी राजनीति में रुचि रखने वाले, उनकी उम्मीदें उस लिहाज से पूरी नहीं हुई हैं। तो ये एक समस्या है। इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष की एकता एक बहुत ही कठिन काम है। ये एक पूरी प्रक्रिया ही बहुत कठिन है, और ये राजनीतिक मजबूरियों का फल है जिसके कारण ये तमाम विपक्षी दल एक हो रहे हैं। अगर विपक्ष की एकता इतनी आसान होती तो ये 2019 में ही हो जाती, 2019 में नहीं हो पाई। अब सब लोगों ने देखा है कि अगर उन्होंने एकता नहीं की तो 2024 के चुनाव, 2024 से 2029 के दौरान तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये लोग सब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन उन्होंने शुरुआती काम तो बहुत अच्छा किया। उन्होंने दिखाया कि वो एकजुट होना चाहते हैं। उन्होंने दिखाया कि उनके बीच में भाजपा और नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर कोई मतभेद नहीं है, और उन्होंने दूरंदेशी का भी प्रदर्शन किया। जिस तरह उन्होंने अपने गठजोड़ का नाम INDIA रखा, उससे भाजपा के खेमे में काफी खलबली मची। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की इस एकता से जो राजनीतिक अंदेशे उसके लिए निकलते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशान भी है। लेकिन जिस फुर्ती और तेजी के साथ इन लोगों को अपना सांगठनिक ढांचा बनाना चाहिए था, जिस कुशलता के साथ में और तत्परता के साथ में अपना साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए था, वो बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो इन लोगों ने एक एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिसमें कि बार और मीडिया की तरफ से ये आते थे कि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर किसी के पार्टी के सदस्य चाहते हैं, क्या वो इसे दूर करने में कामयाब रहे या वहां भी एक दरार दिखी? नहीं, इसमें तो स्पष्ट रूप से मुझे मैंने अब आप इनके जो प्रमुख दल हैं, जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब इस गठबंधन के प्रमुख दल हैं, ममता बनर्जी की पार्टी, तो उन लोगों की तरफ से बार बार ये आया है आधिकारिक रूप से कि वो लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। और इस मामले में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सब लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, कोई एक चुनाव चिन्ह सबके लिए नहीं होगा, अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। और संभवतः आगे चलकर एक लोगो वो ये लोग अपना जारी करेंगे, जो कि शायद चुनाव में सब लोग समान रूप से इस्तेमाल करें, इससे लगे कि वो लोग एक गठजोड़ के हैं। मैं ये समझता हूँ और मुझे ये बात ठीक भी लगती है कि अगर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन जाए तो लोग सभी सभी दल उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ही अपना घोषणा पत्र घोषित करें, हर पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी न करें। जब ये नजारा लोगों के सामने आएगा, जब एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करेगा, तभी जाकर पूरे देश के पैमाने पर ये छवि प्रोजेक्ट होगी कि ये लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प देना चाहते हैं या विकल्प देने में सक्षम है, तभी तो वोटर उनको चुनेगा। एक ये जो बातचीत होती है, जो अक्सर कहानियों के रूप में कहते हैं अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उससे अलग हटकर एक सकारात्मक एजेंडा की कोई तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? क्या मुंबई बैठक में ऐसा दिखा? नहीं सर, वो तो उन्हें पेश करनी ही पड़ेगी, जो सकारात्मक छवि तो उन्हें पेश करनी ही पड़ेगी। केवल ये नहीं कि वो केवल अपनी राजनीति का अस्तित्व बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जो खतरा पैदा कर दिया है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो तो दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो अतिवादी नजरिया अपनाया है राजनीति में, कि हम उसके चप्पे चप्पे पर कब्जा कर लेंगे और हम किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, और इस मामले में हम जो सरकारी एजेंसियां होंगी उनका भी वेपनाइजेशन कर देंगे, यानी उनको भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उन्हें सत्ता के औजार में बदल देंगे, ये सब गवर्नेंस के औजार में, भाई
जो सरकारी एजेंसियां हैं वो एक तरह का उपकरण तो है ही, सरकार का और सत्तारूढ़ दल का उपकरण तो है, लेकिन उन्हें गवर्नेंस के, सुशासन के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बल्कि न कि राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने और अपने विपक्षियों को परास्त करने या उनको मटिया मैट कर देने के औजार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ये जो कर रही है, मुझे लगता है कि इसकी तरफ वोटरों का भी ध्यान है। जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वोटर भी इन चीजों का बुरा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वोटर इस बात से बहुत ही खुश हैं कि नरेंद्र मोदी सबके ऊपर छापे पड़वा रहे हैं, सब नेताओं को जेल में भेज रहे हैं। आमतौर पर आप आम लोगों से बात करें तो लोग इस तरह कहते हुए मिलेंगे, भाई ये काम ठीक नहीं हुआ। भले ही वो हम लोगों की तरह या भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की तरह किसी किस्म की राजनीतिक लफाजी करने से परहेज करें या उन्हें करने का उस तरह का अभ्यास नहीं है, लेकिन आमतौर पर आपको जहां कहीं ज्यादती होती है तो ये मनुष्य मानवीय स्वभाव है कि वो कहता है कि ये बात ठीक नहीं हो रही है, और जब ऐसा कहता है तो उसकी अप्रसन्नता जाहिर होती है और वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर गौर करने की स्थिति में भी पहुंचता है, यानी वो रास्ता खुलता है कि अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर वो गौर कर सके। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि यही तरीका जिस तरीके से वो चल रहे हैं वही तरीका ठीक है, विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा करो, उनको भ्रष्ट बताओ, उनको राष्ट्र विरोधी बताओ और जहां मौका मिले उनको जेलों में डालो, उनके ऊपर मुकदमे करो और उनको पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में धकेल दो कि वो राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेने की बजाय केवल अपना बचाव करते हुए नजर आए। यह जो पूरी रणनीति है, इस रणनीति में बूमरैंग करने के, यानी इस रणनीति को लागू करने वाले को ही नुकसान पहुंचाने के अंदेशे काफी होते हैं। एक सीमा से अधिक जो भी चीज बात हो जाती है वो लोकतंत्र की राजनीति में काफी नुकसान पहुंचाती है। क्या ये बात भी कही जा सकती है कि मीडिया ने खुद ही कुछ अपेक्षाएं जागृत की, जैसे कि लोगो जारी हो जाएगा, जैसे कि संयोजक बन जाएगा, और जब वैसी चीजें नहीं हुई तो फिर ये कहा जा रहा है कि अच्छा बैठक में थोड़ी चीजें कम रह गई, या फिर सच में ऐसा लगता है कि उनके भीतर कुछ असंतोष है? मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि इन चीजों को मीडिया की तरफ से तो ज्यादा महत्व दिया ही जाएगा, भाई क्यों ना महत्व दिया जाए। जब आपने 10:30 बजे का समय तय किया था कि लोगों बताया जाएगा, तो 10:30 बजे का समय आपको किसी ने जबरदस्ती थोड़ा कहा था कि आप 10:30 बजे का समय तय करें, लेकिन 10:30 बजे तो लोगों नहीं आया और खबर ऐसी निकली कि मतभेद है लोगों के सवाल पे, 4-5 एक से ज्यादा लोगों हैं उसके ऊपर विचार चल रहा है। तो ऐसे में एक कुशलता के साथ में इस बात को सामने रखना चाहिए और लोगों को यह भी एहसास दिलाना चाहिए कि विपक्ष की एकता की प्रक्रिया कोई बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया में इस तरह की समस्याएं आएंगी। 28 पार्टियां हर बार फुर्ती के साथ, तत्परता के साथ हर मुद्दे पर एकजुट हो जाएं, हर मुद्दे पर उनके अंदर एक आम सहमति बन जाए या मतैक्य बन जाए, ये सब आसान बात नहीं है। अपनी दिक्कतों के बावजूद भी तारीफ करने लायक बात यह है कि वो लोग लगातार एकजुट हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी भी किस्म के दबाव के बावजूद भी उस मोर्चे से हटने की बात कह रहा है और ना ऐसी कोई संभावना दिख रही है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया में लंबे अरसे से एक प्रवृत्ति है कि वो विपक्ष की परेशानियों में मजा लेता है। जब विपक्ष को दिक्कतें होती हैं, उलझने होती हैं, वो सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछता है। तो ये मीडिया लगातार कर रहा है और इसका और नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक शख्सियत है और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की शक्ति है उसका वो बहुत भारी प्रशंसक है। यहां तक कि मैं कहता हूं कि वो मोदी और भाजपा के हितों से मीडिया अति प्रतिबद्ध हो गया है, ओवर कमिटेड हो गया है। जिस दिन ये लोग थोड़े से राजनीति के ढलान पर थोड़े से फिसले, उस दिन मीडिया और बहुत सारे बड़े बड़ी मीडिया की जो हस्तियां हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा पाला बदलना, क्योंकि वो इतने ज्यादा ओवर कमिटेड हो चुके हैं, इतनी उनकी प्रतिबद्धता इतनी अधिक है कि अभी वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी कभी होगा कि ये लोग हार भी सकते हैं या ये लोग बहुमत से दूर भी रह सकते हैं। एक चीज ये भी है जो कल ही घोषणा हुई कि संसद का नया सत्र बुलाया जाएगा, विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तो क्या इस
सत्री घोषणा और क्यों बोला, उसके पीछे कारण क्या है, बस कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश को एक सस्पेंस मूवी की तरह चलाने के आदी हो गए हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे और लोग कयास लगाते रहें, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? ये सभी देखिए, ये जो सत्तारूढ़ पार्टियां और सत्तारूढ़ नेता होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं। इंदिरा गांधी ऐसा किया करती थी, जिसके पास मौका होता है, सत्ता में मजबूती से जमा होता है, वो मास्टर स्ट्रोक लगाने का अधिकार वो अपने पास सुरक्षित रखता है, परिस्थितियां भी उसके अनुकूल होती हैं। सत्ता में होना ही एक जो राजनीतिक जिसे कहते हैं कि राजनीतिक धुरी है, उस राजनीतिक धुरी में पक्ष जो है सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा झुक जाता है, ऐसा हमेशा होता है। विपक्ष थोड़े नुकसान में रहता ही है, उसके पास नीतिगत घोषणाएं करने का मौका होता है जो लोग सत्ता में होते हैं, और वो कभी भी जो शासन के बड़े बड़े उपकरण है उनको अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सरकार के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि कभी भी वो विपक्ष का सत्र, वो सदन का सत्र बुला सकती है। विपक्ष के पास इस तरह का अधिकार नहीं है, वो मांग कर सकता है कि बुलाई जाए, लेकिन वो आदेश जारी नहीं कर सकता। तो वो कह सकते हैं कि हमारा अधिकार है संविधान का, तो उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी देर से भी बताएं कि इस सत्र का एजेंडा क्या होगा, तो ज्यादा आप उनसे इस बात पे आपत्ति नहीं कर सकते। हो सकता है कि सत्र पूरी तरीके से सेलिब्रेटरी टोन का हो, यानी हमने चांद पे अपना यान भेज दिया है और हमने G20 में सारी दुनिया के नेतृत्व का हम दावा कर सकते हैं, इस तरह की बात भी हो सकती है, इसमें बधाइयां हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो 1 अगस्त को पेश की गई, राष्ट्रपति को दी गई, उस रिपोर्ट से संबंधित कुछ हो जाए सत्र में। ये भी हो सकता है कि महिला आरक्षण को किसी तरीके से उस सत्र में पेश किया जाए। इसमें एक बात ये हो रही है कि जो मौजूदा संसद की सीटें हैं उनमें आरक्षण ना देके अलग से 133 नई सीटें महिलाओं के लिए उनकी संख्या में जोड़ दी जाए। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। जो एक राष्ट्र एक चुनाव वाला कयास लगाया जा रहा था, वो तो कयास अभी ठंडा पड़ गया है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है और उसमें अभी बहुत समय लगेगा। जाहिर है कि वो एक बहुत लंबी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस सत्र का भी चुनाव की दृष्टि से सत्तारूढ़ दल अपनी रणनीति के लिए उपयोग करेगा ही। रामनाथ कोविंद को एक समिति का एक अध्यक्ष बनाया गया, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना ही है, क्योंकि राष्ट्रपति जब वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उनसे इस तरह के काम नहीं लिए जाने की प्रथा रही है। तो एक तरीके से ये रामनाथ कोविंद है, या फिर एक मुद्दे को उभारने के लिए उनका साथ दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से उन्होंने जो लोकतांत्रिक परंपराओं की जो संहिताएं हैं उन संहिताओं का पालन उन्होंने कभी नहीं किया। आप देखिए, जिस वक्त सदन में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था, अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होनी थी, उस वक्त उन्होंने जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस था वो उन्होंने पेश कर दिया। अच्छा, दूसरे पहले से बिना घोषित किए हुए, बिना सार्वजनिक जीवन में उस बात को लाए हुए, अक्सर वो बड़े बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर बिल जो है उसकी चुपचाप तैयारी करते रहते हैं और अचानक सामने रख देते हैं। ऐसे कि उन्होंने जो फौजदारी दंड संहिता है उसमें संशोधन करने का किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और उन्होंने कर दिया। नोटबंदी की घटना आपको याद ही है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी वालों को कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि भारत के वित्त मंत्री को उसके बारे में नहीं पता था कि नोटबंदी हो सकती है। तो वो कुछ इस तरह की इनकी काम करने की शैली है इनकी। जिस तरह से राज्यपालों से काम ले रहे हैं वो भी कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। तो बहुत से ऐसे काम जो कर रहे हैं जिसमें स्थापित लोकतांत्रिक संहिताएं जो हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उनसे बहस की जाए तो हमेशा उनका तर्क होता है, हम तो संविधान सम्मत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, संविधान में ये व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो उसके जवाब में ये तर्क दिया जाता है। तो उन्होंने ये दिखाया है कि वो अपनी संहिताएं बनाना चाहते हैं, वो कुछ पुरानी परंपराओं का उल्लंघन करके अपनी नई परंपराएं, अपनी नई रीतियां जो है उनको स्थापित करना चाहते हैं।
क्या ये कह सकते हैं कि जो अभी केंद्र सरकार निर्णय ले रही है जैसे कि संसद का विशेष सत्र बुलाने का, वो एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो जमीन मजबूत होती जा रही है, कम से कम वो लोग एक दिख रहे हैं उसकी, क्या प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इससे थोड़ी घबराई हुई लगती है अपने निर्णयों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो मान रही है कि 2024 का चुनाव इस चुनाव पूर्व गठबंधन के कारण ना 2014 ऐसा होगा ना 2019 जैसा होगा, ये अलग तरह का होगा और उसके लिए उन्हें अलग तरह की रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और इस बात का अंदेशा हो सकता है कि कुछ प्रांतों में उनकी सीटें घट जाए, मुझे भी नहीं दिखाई पड़ता और भाजपा के बहुत से विरोधियों को भी नहीं दिखाई पड़ता है कि भाजपा की कोई बहुत बड़ी पराजय की गारंटी अभी से बन रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह जरूर दिखाई पड़ता है कि भाजपा ने अपनी 275 सीटें जिन राज्यों में तकरीबन 95% या 100% परिणाम प्राप्त करके हासिल की थी, वहां पर थोड़ी थोड़ी भी कटौती अगर होती है तो भाजपा बहुमत से नीचे आ जाएगी। ये एक ऐसा अंदेशा है जो आज की तारीख में भाजपा को सता रहा है। तो एक तरह का एक ऐसा दुस्वप्न है, एक ऐसा नाइटमेयर है जैसे कहीं 2004 ना घटित हो जाए, ये जरूर उनको लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि भाजपा बहुत परेशान है या बहुत घबराई हुई है या बहुत डरी हुई है या नरेंद्र मोदी पैनिक में है, इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है और ना ऐसी परिस्थिति कोई है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई बहुत लंबी चौड़ी गिरावट आई हो या थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति हो ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी जब विधानसभा के चुनाव हार गए थे तो लोकसभा चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से जीता था। जब तक ऐसा एक बार 2024 में हो नहीं जाएगा कि भाई 2019 दोहराया नहीं जा पाएगा, तब तक लोग इस बात को मानते ही रहेंगे कि भाई इस बार भी वो वैसा कर सकते हैं। तो मैं अभी भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव, अगर कल की तारीख में चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। विपक्ष की एकता हो गई है, उस एकता को बहुत मजबूत करना है, व्यवस्थित करना है और उसको एक सांगठनिक संरचनागत रूप देना है और माहौल बंदी के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत काम करना बाकी है। वो काम जब होगा तब कहीं जाके बात समझ में आएगी कि मोदी की सीटें कितनी कम होंगी। आखिरी सवाल ये मेरे मन में आ रहा है कि क्या रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी है उसे सच में मान लेना चाहिए कि एक देश एक चुनाव का मसला ठंडे बस्ते में कुछ दिनों के लिए चला गया, या ये हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद ही वो एक रिपोर्ट लेकर आ जाए कि ऐसे ऐसे चीजें हो सकते हैं? मुझे पता नहीं है कि जो अधिसूचना जारी की गई है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें इस कमेटी की कौन कौन सी शर्तें और रखी गई हैं और उनके काम का दायरा क्या है, उनके रेफरेंस पॉइंट्स क्या है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर उसमें ये है कि बहुत जल्दी ही उन्हें रिपोर्ट देनी है, उन्हें 15-20 दिन के अंदर ही एक रिपोर्ट दे देनी है, तब तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि शायद एक देश एक चुनाव चुनाव का जो आग्रह है उससे 2024 का चुनाव और विधानसभाओं को, 5 विधानसभाओं को जो चुनाव होने वाले हैं, ये सब भी प्रभावित होंगे। बहुत सी बातें अभी तय नहीं है, जैसे ये नहीं, अगर एक देश एक चुनाव होता भी है तो वो कई तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पंचायत के और नगर पालिकाओं के चुनाव भी जोड़े जाए, मतलब तो विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ कर दिया जाएगा और बाकी छोटे चुनाव अलग होते रहेंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक ही तरीका हो सकता है कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव एक ही बार में, दूसरा पैटर्न ये हो सकता है। फिर ऐसा करने से कि राजनीतिक लाभ किसको होंगे, क्या एक तरफा राजनीतिक लाभ होंगे? सारे लाभ भाजपा और नरेंद्र मोदी के ही पक्ष में जाएंगे, जो विपक्ष है, जो गैर भाजपा शक्तियां हैं, उनको इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। जो स्प्लिट वोट की परिघटना है, इसमें एक वोटर जब जाता है तो जो चुनाव होता है उस चुनाव के हिसाब से सोच के मत देता है और दूसरे चुनाव में उसका मत बदल जाता है। जब वोटर वोट देने जाएगा, एक ही चुनाव में उसे कई वोट देने होंगे, उसे लोकसभा के लिए भी वोट देना है, उसे विधानसभा के लिए भी वोट देना है, उसे हो सकता है नगर पालिका के लिए भी वोट देना पड़े, तो उस वक्त क्या हर चार तीन वोट देने में वो तीन तरीके से सोचेगा या तीन तरह की प्राथमिकताएं बना के जाएगा, या एक प्राथमिकता उसकी अन्य निर्णयों पर भी काफी हावी होगी, उसका क्या परिणाम होगा, वो प्राथमिकता कहाँ से आएगी, वो किसी शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता से प्राथमिकता की प्राथमिकता उपजेगी या किसी राष्ट्रीय स्तर के शक्तिशाली नेता से प्राथमिकता उपजेगी, ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। कोई नहीं कह सकता कि
कोई नहीं कह सकता कि इसका जो विशुद्ध राजनीतिक परिणाम होगा वो क्या होगा। ये जो भाजपा के पक्ष में सोचने वाला मीडिया है वो इस बात को जरूर रेखांकित कर रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव हो गया तो सारी सारे पत्ते जो है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही गिरेंगे, सब कुछ उन्हीं के पक्ष में झुक जाएगा। इस प्रकार का चिंतन लगातार किया जा रहा है और मीडिया के जरिए उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वोटर मीडिया से पूछ के अपना चिंतन करता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया वो टीवी देखता है, सोशल मीडिया देखता है और उसके बाद तय करता है कि उसे क्या करना है, ऐसा नहीं है। तो आगे हम इस पर और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो ये एक देश एक चुनाव का मसला है वो लोकतंत्र के लिए, दलों के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह चीज हो सकती है। पर आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप प्रोफेसर अभय कुमार दुबे की बातचीत को रोज सुनना चाहते हैं, उनके विश्लेषण को रोज सुनना चाहते हैं देश की राजनीति के बारे उसको आप सुनना चाहते हैं, तो आप नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम हर रोज इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आज की इस बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलेंगे और देश के राजनीति के अन्य मुद्दों पर फिर से बातचीत करेंगे। नमस्कार।